Hello everyone, and it's me, your educator Jyoti. This is a part 2 of auxin. Already previous video में हम part 1 के बारे में बात कर चुके हैं, तो इसको आप part 2 consider कर सकते हैं, ठीक है? Last lecture में हमने auxin के portion को cover नहीं किया था, although this is a little bit lengthy, but आज के topic में हम इसको पूरा cover कर लेंगे. So let's proceed. तो जहाँ पे हमने हमारे लेक्चर को रोका था वो था ये ट्रांसपोर्ट. हमने ट्रांसपोर्ट के बारे में टोटली डील कर लिया था. इसके बाद हम डील करते हैं दैट इज़ कुछ इनहिबिटर्स के बारे में, ठीक है? तो कुछ इनहिबिटर्स हैं, जैसे कि यहाँ पे इनहिबिटर का नाम देखने को मिल रहा है आपको, दैट इज़ TIBA, ओके, TIBA एंड NPA. ये दोनों इनहिबिटर्स हैं जो कि ट्रांसपोर्ट को इनहिबिट करते हैं, यानी ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट को नॉर्मली नहीं होने देते हैं. अगर हम NPA की बात करें तो NPA इनहिबिट करता है OX1 या फिर LAX1 प्रोटीन को, एज वेल एज ABCB नाम के प्रोटीन को भी इनहिबिट करता है. इन प्रोटीन्स का मेनली काम क्या होता है? इन प्रोटीन्स का काम होता है दैट इज़ ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करवाना, तो इसी को रोकने का काम करता है. अगर हम बात करें TIBA की, तो ATIs क्या होते हैं? ATIs होते हैं ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट इनहिबिटर्स. TIBA क्या करता है? दैट हैज़ अ वीक ऑक्सीजन एक्टिविटी. सम ATIs सच एज द TIBA दैट हैज़ अ वीक ऑक्सीजन एक्टिविटी एंड आर ट्रांसपोर्टेड पोलरली मे इनहिबिट पोलर ट्रांसपोर्ट इन पार्ट बाय कंपीटिंग विद द ऑक्सीजन फॉर इट्स बाइंडिंग साइट ऑन द ईफ्लक्स कैरियर. तो एक्चुअल में TIBA जो है ऑक्सीजन की तरह बिहेव करता है और ईफ्लक्स कैरियर यानी PIN1 प्रोटीन के साथ ये ऑक्सीजन की जगह पे बाइंड कर जाता है, ठीक है? अदर सच NPAs आर नॉट ट्रांसपोर्टेड पोलरली एंड आर बिलीव टू इंटरफेयर विद द ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट बाय बाइंडिंग टू द प्रोटीन एसोसिएटेड इन द कॉम्प्लेक्स विद द ईफ्लक्स कैरियर. और इस तरीके से NPA जो है, NPA मेनली किसको इनहिबिट कर सकता है? OX1 एंड LAX1 को इनहिबिट कर सकता है, एज वेल एज ईफ्लक्स कैरियर के एरिया में भी देखा गया है. तो समहाउ अगर एक जनरल बेसिस पे हम कहें तो TIBA एंड NPA जो है दैट इज़ ये दोनों इनहिबिटर का काम करते हैं ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट के लिए. सो NPA एक्ट एज अ ऑक्सीजन ईफ्लक्स इनहिबिटर एंड ब्लॉक द पोलर ट्रांसपोर्ट एज दे इनहिबिट द रिसाइकलिंग ऑफ द पिन प्रोटीन. इसके अलावा पिन प्रोटीन, क्योंकि ईफ्लक्स कैरियर को अगर इनहिबिट कर रहे हैं तो वेरी ऑब्वियस पिन प्रोटीन को इनहिबिट तो करेंगे ही. तो NPA एंड TIBA दोनों का ही एक्शन देखा जाता है कि ओवरऑल पिन प्रोटीन को भी अफेक्ट करते हैं, और अगर जनरल बेसिस पे कहें तो पूरे के पूरे ट्रांसपोर्ट को भी इनहिबिट करते हैं ये. अब आता है म्यूटेशन केस. OX1 में अगर म्यूटेशन होगा तो क्या होगा? Shootward auxin flow in the OX1 mutant of Arabidopsis are completely disrupted, resulting in the agravitropic root growth. तो एक्चुअल में देखा जाता है कि ऑक्सीजन का एक फंक्शन है कि रूट को वो दैट इज ग्रेविटी की तरफ बढ़ाता जाता है. मतलब नॉर्मली अगर हम कहें तो दिस इज अ प्लांट और इसका जो रूट होता है वो क्या करता है? ग्रेविटी की तरफ ही तो बढ़ता है. तो वो देखा जाता है कि ये एक्शन ऑक्सीजन की वजह से हो रहा है. तो जिस प्लांट में OX1 का म्यूटेशन होता है, मतलब कि जिसमें कि प्रोटीन कैरियर मेनली इनफ्लक्स कैरियर जो है वो एब्सेंट होता है या म्यूटेट होता है, तो उसमें ग्रेविट्रॉपिक इफेक्ट नहीं देखा जाता है रूट में, और उसे हम कहते हैं OX1 म्यूटेंट. सेकेंड आता है PIN1 म्यूटेशन. PIN1 म्यूटेशन कारण क्या होगा? बेसल एरिया से ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, और देखने को ये मिलता है कि Arabidopsis में जो इनफ्लोरेसेंस होता है, इन फ्लावर का अरेंजमेंट, वो पिन शेप का हो जाता है, ठीक है? तो ये दो म्यूटेशन केस हो गए. अब आ जाते हैं हम फंक्शंस के ऊपर, जहां से आपके क्वेश्चंस बनते हैं. तो पहला है यहाँ पे ये सेल इलोंगेशन एंड एक्सपेंशन में हेल्प करता है. सेल को इलोंगेट करवाता है एंड एक्सपेंशन में हेल्प करता है, और जिस प्रोटीन का हेल्प लेता है एक्सपेंशन में वो होता है एक्सपेंसिंस. नेक्स्ट, वास्कुलर डिफ्रेंसिएशन में भी हेल्प करता है ऑक्सीजन. दैट इज लो कंसनट्रेशन में ये फिलोयम का डिफ्रेंसिएशन करवाता है, और अगर हाई कंसनट्रेशन है ऑक्सीजन का तो ये जाइलम एंड फिलोयम दोनों का ही डिफ्रेंसिएशन करवाता है. इसको हर्बिसाइड्स की तरह भी यूज़ किया जाता है. इनफैक्ट हमने जितने भी दैट इज 2,4-D देखा, डिकैम्बा देखा, इसके अलावा टॉडन एंड पिक्लोरम देखा, ये तीनों के तीनों दैट इज हर्बिसाइड्स में यूज होते हैं, ठीक है? दे यूज एज अ हर्बिसाइड्स. तो ये एक मेजर फंक्शन हो गया ऑक्सीजन का. नेक्स्ट आ जाता है दैट इज फंक्शन ऑफ ऑक्सीजन का. नेक्स्ट पोर्शन आता है दैट इज द पार्थिनोकार्पी. पार्थिनोकार्पी क्या होता है? पार्थिनोकार्पी का मतलब होता है सीडलेस फ्रूट का डेवलपमेंट करवाना, और सीडलेस फ्रूट को डेवलप करने में पार्थिनो दैट इज योर ऑक्सीजन का हेल्प लिया जाता है,
और यहाँ पे मेनली दैट इज इंडोल 3 एसिटिक एसिड, इंडोल ब्यूटेरिक एसिड एंड नेप्थिलिनिक एसिटिक एसिड, इनको यूज़ किया जाता है फॉर डूइंग द पार्थिनोकार्पी यानी सीडलेस फ्रूट का जनरेशन करवाना। नेक्स्ट अगर हम बात करें ग्रेविटोपिज्म, तो ग्रोथ इन रिस्पॉन्स टू द ग्रेविटी जो कि रूट करता है। यू कैन सी दिस पिक्चर, आपके सामने मैंने एक एनिमेशन टाइप एक पिक्चर रख रखा है जिसमें कि रूट का एरिया जैसे बनता है वैसे ही नीचे की तरफ देख रहे हैं आप मूव कर रहा है, तो ये ग्रेविटी को सेंस कर रहा है, राइट। तो ये ग्रेविट्रॉपिज्म का मतलब होता है ग्रेविटी की तरफ रिस्पॉन्स करना। तो ग्रोथ इन रिस्पॉन्स टू द ग्रेविटी एनेबल्स द रूट टू ग्रो डाउनवर्ड इन टू द सॉइल एंड शूट टू ग्रो अपवर्ड अवे फ्रॉम द सॉइल विच इज स्पेसिफिकली क्रिटिकल ड्यूरिंग द अर्ली स्टेज ऑफ जर्मिनेशन। और इसे कंट्रोल करने का काम कौन करता है, दैट इज ऑक्सिन, कि शूट जो है वो ऊपर की तरफ मूव करे एंड रूट जो है दैट इज डाउनवर्ड मूव करे, ये काम करवाने में ऑक्सिन हेल्प करता है। इसके अलावा ऑक्सिन का रोल होता है दैट इज एम्ब्रियोजेनेसिस में, एम्ब्रियोजेनेसिस भी करवाता है एज वेल एज ऑक्सिन जो है एडवेंटिशियस रूट का भी फॉर्मेशन करवाता है एंड डिक्रीज द इलोंगेशन। एडवेंटिशियस रूट मतलब कि इस टाइप से देख सकते हैं आप प्लांट में जो अपिक दैट इज शूट पार्ट से भी कुछ रूट के पोर्शन दिखने लगते हैं, दैट इज लेटरल ग्रोथ, लेटरल रूट जिसे आप कह सकते हैं, दैट इज वॉट कॉल दी एडवेंटिशियस रूट, ठीक है। तो ये आपको दैट इज सॉइल एरिया में भी देखने को मिल सकते हैं एज वेल एज प्लांट के ऊपर वाले पोर्शन में भी देख जाते हैं किसी किसी प्लांट में कि वो अपने जो है लेटरल बेसिस पे कुछ रूट का ग्रोथ करवा रहे हैं, और ये किसकी वजह से होता है, ये भी ऑक्सीजन की वजह से होता है। नेक्स्ट आता है फंक्शन ऑक्सीजन का, दैट इज ट्रॉपिक रिस्पॉन्स। ट्रॉपिक रिस्पॉन्स यानी अगर कहीं से लाइट आ रही है तो प्लांट उसकी तरफ बेंड होकर अपना इफेक्ट शो करता है, दैट इज वॉट कॉल दी ट्रॉपिक। और ऐसा ही हमने कुछ एक्शन देखा था दैट इज इन केस ऑफ अ फोटो दैट इज योर फोटोट्रॉपिन के टाइम में, ठीक है। तो ये जो फोटोट्रॉपिज्म होता है और दी ग्रोथ विद रिस्पेक्ट टू द लाइट इज एक्सप्रेस इन ऑल शूट एंड सम रूट, और इसे करने वाला कौन होता है, दैट इज सेल इलांगेशन एंड एक्यूमुलेशन इन द डार्क साइड एरिया ऑफ द ऑक्सीजन सिंथेसिस। माना जाता है कि सपोज कीजिए दिस इज अ प्लांट, ठीक है, और अगर मैं मानती हूँ कि इधर पे कोई लाइट सोर्स है तो प्लांट क्या करता है ऐसे यहाँ पे बेंड करना शुरू कर देता है, दैट इज लाइट की तरफ, क्योंकि लाइट यहीं से आ रही होती है। लेकिन विद एक्सपेरिमेंट्स साइंटिस्ट ने ये देखा है कि ये वाला तो एरिया लाइट हो गया जो लाइट के एक्सपोजर में है, ये वाला एरिया डार्क में रह जाता है, मतलब ये डायरेक्टली लाइट के एक्सपोजर में नहीं आता है। तो देखा जाता है कि जो डार्कर एरिया है ना वहाँ पे दैट इज ऑक्सीजन मेनली काम करता है और वहाँ के सेल को इलोंगेट कर देता है। इलोंगेशन की वजह से इन प्लांट्स में बेंडिंग इफेक्ट आता है, मतलब कि ये शूट ऊपर वाला पोर्शन अगर बनाऊँ तो ये ऐसा था और यहाँ से लाइट आ रही थी, ये एरिया डार्क हो गया, ये एरिया लाइट हो गया, ये एरिया डार्क हो गया। अब इसी को अगर मैं बेंडिंग फॉर्म में बनाऊँ तो ये ऐसे करके किसकी तरफ मूव करेगा, दैट इज ये रहा अभी भी ये लाइट का सोर्स रहा, दिस इज अ लाइट सोर्स, और ये जो मेरा प्लांट है ये बेंड कर रहा है, इस वाला ये वाला एरिया लाइट में है, ये वाला एरिया डार्क इसको मिल रहा है, इसको डायरेक्टली लाइट नहीं मिल रहा। तो देखा ये जाता है कि यहाँ पे पहले सेल्स ऐसे थे, ठीक है, नॉर्मल टाइप से जो नॉर्मल आपका शेप होता है सेल्स का वैसा था, लेकिन जब ये बेंडिंग इफेक्ट शो करता है ना तो इधर के सेल्स थोड़े थोड़े इलोंगेट होने लगते हैं ऐसे करके, और इस इलोंगेशन की वजह से बेंडिंग इफेक्ट, मतलब कोई चीज़ ऐसे थी अब ऐसे करके बेंड होने लगती है तो इधर वाला जो पोर्शन होता है वहाँ के सेल्स इलोंगेट हो जाते हैं एज कम्पेयर टू दी फ्रंट एरिया जो कि लाइट में है, और ये इलोंगेशन किसकी वजह से होता है, ये इलोंगेशन होता है ऑक्सीजन की वजह से, और हम कहते हैं कि डार्कर साइड में ऑक्सीजन का सिंथेसिस होता है, एपिकल एरिया में ही डार्कर साइड में सिंथेसिस होता है। ये है दैट इज लाइट वाला एरिया और ये वाला है दैट इज डार्क वाला एरिया, तो इसके पीछे का फंडा ऐसा है, ठीक है। नेक्स्ट ये रहा आपका लाइट सोर्स, मेंशन कर देती हूँ, और ये हो गया दैट इज बेंडिंग इफेक्ट। नेक्स्ट आता है एपिकल डोमिनेंस। एपिकल डोमिनेंस का मतलब क्या होता है, किसी भी प्लांट का जब आप बहुत ज्यादा हाइट देखते हो दैट इज व्हाट द एपिकल डोमिनेंस, यानी अगर मैं एक प्लांट बनाती हूँ इस टाइप से, ठीक है, ये प्लांट है, और अगर मैं प्लांट बनाती हूँ एक इस टाइप से, ये इसके लीव्स हैं और इसकी जो डेंसिटी है, मतलब प्लांट में जो लीव्स हैं उसकी डेंसिटी ज़्यादा और इसकी हाइट जो है ठीक ठाक है, मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं है बहुत छोटी भी नहीं है,
तो ये प्लांट क्या है, इसका एपिकल पोर्शन डोमिनेट कर रहा है, तो इसमें एपिकल डोमिनेंस है, ठीक है, एपिकल डोमिनेंस है। लेकिन ये वाले पोर्शन में क्या है, इसमें लेटरल ग्रोथ ज़्यादा है, इसमें लेटरल ग्रोथ हाई है। तो ऑक्सिन क्या करता है, ऑक्सिन एक्चुअल में एपिकल डोमिनेंस करवाता है, यानी प्लांट को बहुत लंबी हाइट देता है, और साथ ही साथ वो कोशिश कर रहा होता है कि जो लेटरल ग्रोथ है इसको भी मैं इनहिबिट कर दूं। दोनों एक साथ नहीं होते, या तो लेटरल ग्रोथ होगा, या तो प्लांट बहुत ज़्यादा लॉन्ग होगा, या तो वो बहुत ज़्यादा डेंसिटी में होगा, दोनों एक साथ नहीं होता है। तो वही चीज़ होती है, और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ऑक्सिन एक्चुअल में लेटरल ग्रोथ को इनहिबिट करता है, और एज अ रिजल्ट ऑफ दैट लेटरल ग्रोथ नहीं होगा। तो लेटरल ग्रोथ कब होता है, जब आप किसी भी प्लांट को ऊपर से ट्रिम कर देते हो। आपने देखा होगा गार्डन में जो गार्डनर्स होते हैं वो अक्सर प्लांट्स को टाइम टाइम पे ट्रिम करते रहते हैं ऊपर से, और उसके बाद जो गार्डन की फेंसिंग होती है वो बहुत ज़्यादा डेंसिटी वाली होती है, मतलब वहाँ पे जो प्लांट्स आपको देखने को मिलते हैं उनमें बहुत ज़्यादा डेंसिटी होते हैं, बहुत ज़्यादा घने होते हैं वो प्लांट, हाइट में छोटे रहते हैं लेकिन बहुत घने रहते हैं। और कुछ आप प्लांट ऐसे देखोगे जो कि बहुत लंबी हाइट ले रखी है लेकिन उनकी बॉडी पे जो लेटरल ग्रोथ है, मतलब कि जो डेंसिटी है, वो बहुत कम रहती है, वो सिर्फ हाइट में लंबे रहते हैं। वो इसलिए कि एट अ टाइम या तो प्लांट में जो है दैट इज एपिकल डोमिनेंस काम करता है, या तो लेटरल ग्रोथ काम करता है, और अगर इक्वल कंसंट्रेशन रहता है दैट इज, क्योंकि लेटरल ग्रोथ के लिए साइटोकाइनिन रिस्पॉन्सिबल होता है एंड एपिकल डोमिनेंस के लिए दैट इज ऑक्सिन रिस्पॉन्सिबल होता है। तो देखा ये जाता है कि जब दोनों का कंसंट्रेशन ठीक ठाक रहता है तब जाकर बहुत से ऐसे सिग्नलिंग इवेंट है जो कि काम करते हैं, और लेटरल ग्रोथ एंड एपिकल डोमिनेंस दोनों ही करवाते हैं। लेकिन अगर प्लांट में ऑक्सिन है तो वो एपिकल डोमिनेंस को प्रमोट करेगा और साथ साथ में लेटरल ग्रोथ को इनहिबिट करेगा। तो यहाँ पे मैं आपके लिए लिख देती हूँ कि ऑक्सिन का काम होता है दैट इज एपिकल डोमिनेंस को प्रमोट करना, साथ साथ में इसका काम होता है लेटरल ग्रोथ को इनहिबिट करना, ठीक है, जिसकी वजह से एपिकल डोमिनेंस की वजह से प्लांट जो है हाइट ज़्यादा ले लेता है। तो इस वाले एरिया में ऑक्सीजन का प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है जिसकी वजह से प्लांट की हाइट ज़्यादा हो जाएगी, और बगल वाले जो पोर्शन होगा उसको ये इनहिबिट करेगा ताकि प्लांट डेंसिटी में ज़्यादा ना हो, सिर्फ और सिर्फ हाइट ले। तो जब गार्डनर ऊपर से ट्रिम कर रहा होता है प्लांट को और वो प्लांट बहुत ज़्यादा डेंसिटी में होते हैं, तो वो एक्चुअल में क्या दैट इज क्या टेक्निक अपना रहा होता है कि अगर मैं प्लांट को यहाँ से ट्रिम कर दूंगा तो जो ऑक्सीजन का मेजर सोर्स एरिया है दैट इज एपिकल एरिया, वो खत्म हो जाएगा या फिर वो लो हो जाएगा। और अगर उस प्लांट में ऑक्सीजन की कमी हो गई तो वेरी ऑब्वियस फिर प्लांट हाइट ज़्यादा नहीं लेगा, सिर्फ और सिर्फ डेंसिटी यानी लेटरल ग्रोथ ज़्यादा लेगा, और ऑटोमेटिकली प्लांट जो है दैट इज डेंसिटी में ज़्यादा हो जाएगा, जिसे हम बोलते हैं प्लांट घना हो जाएगा। ठीक है, आपने नॉर्मली भी देखा होगा कि हर एक घर में, जैसे अगर आपके पास गार्डनिंग है तो ये एक टेक्निक अपनाई जाती है कि किसी भी प्लांट का ऊपर का टिप तोड़ दो, वो बहुत ज़्यादा घना हो जाएगा। ये टर्म हम बहुत डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं, उसके पीछे की टेक्निक यही है, क्योंकि एपिकल एरिया में ऑक्सीजन होता है, तो अगर आप ऊपर के पोर्शन को, एपिकल पोर्शन को तोड़ दोगे तो वो प्लांट अपने आप ही घना हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन कंसंट्रेशन कम हो चुका है, तो अब कोई लेटरल ग्रोथ को दैट इज रोकने वाला नहीं है, तो ऑटोमेटिकली उसमें बहुत से लीव्स एंड लेटरल ग्रोथ देखे जाएंगे। ठीक है, ओके, सो विद दिस वी आर डन विद द ऑक्सिन पोर्शन, और आपका आ गया फेवरेट एरिया दैट इज क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन में मेंशन है पिन प्रोटीन आर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन लोकलाइज्ड कैरियर प्रोटीन रिक्वायर फॉर द पोलर ऑक्सिन ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। ठीक है, फोर डिफरेंट कैरियर प्रोटीन आर शोन इन द डायग्राम बिलो लेबल एज P1 टू P4। ठीक है, P1 से लेकर P4 तक यहाँ पे आपको ऑक्सिन प्रोटीन देखने को मिल रहा है। एरो इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ ऑक्सिन मूवमेंट, ये रहा, याद रखिएगा कुछ कुछ कीवर्ड्स होते हैं क्वेश्चंस में, उनको ध्यान देना होता है आपको। ठीक है, एरो इंडिकेट, ये जो एरो यहाँ पे दिया है ना, ये इंडिकेट कर रहे हैं कि ऑक्सिन का फ्लो कहाँ हो रहा है। विच अमंग दीज इज मोस्ट लाइकली टू बी अ पिन प्रोटीन, इनमें से पिन प्रोटीन कौन सा है। तो पहले तो हम अपनी बात करते हैं, आपको पता है कि ऑक्स प्रोटीन या फिर लैक्स प्रोटीन क्या करता है, ऑक्सिन को अंदर लेकर आता है, राइट, इनसाइड सेल के इनसाइड एरिया में ऑक्सिन को लेकर आता है, फाइन। और पिन की बात करें तो पिन एक्चुअल में ऑक्सिन को आउटसाइड लेकर जाता है, इस बात को आपको याद रखना है। तो अब देखिए,
पिन वन में देखिए, पिन वन क्या कर रहा है आपको अब ये तो समझ में आ रहा है कि ये एपोप्लास्टिक एरिया होगा, ठीक है, और दैट इज़ ये वाला एरिया सिम प्लास्टिक होगा, इतना तो समझ में आ ही रहा होगा अगर आपको दैट इज़ ट्रांसपोर्ट समझ में आया है तो। ये जो एरो है ये एरो अंदर की तरफ आ रहा है, मतलब कोई चीज़ ऑक्सीजन को अंदर लेकर आ रही है, तो P1 पिन तो नहीं हो सकता, पिन का काम होता है बाहर लेकर जाना, आउटसाइड यानी ई फ्लक्स करवाना, और इसका मेनली लोकेशन बेसल एरिया में होता है। उसके बाद देखिए पिन P2 को देखिए, P2 भी क्या कर रहा है, P2 भी अंदर ही लेकर आ रहा है ऑक्सीजन को, तो P1 नहीं हुआ, ठीक है, P1 नहीं है तो हमने इसको हटा दिया। फिर P2 को देखिए, P2 भी ऑक्सीजन को समहाउ साइड एरिया से ही सही लेकिन सिम प्लास्ट में लेकर आ रहा है, तो पिन 1 ये भी नहीं हो सकता। पिन 1 का तो काम क्या है कि साइटोप्लाज्मिक एरिया को या फिर सिम प्लास्टिक ट्रांसपोर्ट से एग्जिट करवा देना और एपोप्लास्ट में एंटर करवा देना, जिसे हम कह रहे हैं आउटसाइड चले जाना या ई फ्लक्स करवा देना, तो P2 भी नहीं हो सकता, P2 नहीं हो सकता तो ये भी नहीं होगा। P3 देखिए क्या कर रहा है, P3 भी दैट इज ऑक्सीजन को साइटोप्लाज्म के अंदर ही लेकर जा रहा है, ऑल दो लोकेशन थोड़े अटपटे दे रखे हैं, लेकिन एक चीज जो आपको नहीं लूज करनी है वो है कि ये सब के सब दैट इज ये सिम प्लास्टिक एरिया के अंदर ही जा रहे हैं, यानी सब के सब सेल के अंदर जा रहे हैं। तो ये क्या हो सकता है, क्या ये पिन प्रोटीन हो सकता है, पिन प्रोटीन का तो काम था बाहर लेकर जाना, तो ये P3 भी नहीं हो सकता, यानी ये भी गया। अब देखते हैं P4 को, P4 का लोकेशन थोड़ा अटपटा देकर रखा है, लेकिन अगर हम इसको देखें तो ये ऑक्सीजन को यानी अंदर में जो IAA- होगा उसको ये बाहर लेकर जा रहा है, और एपोप्लास्टिक एरिया ये रहा यहीं पर लेकर जा रहा है, यानी सिर्फ सब में P1 से लेकर P4 में सिर्फ P4 प्रोटीन ऐसा है जो कि ऑक्सीजन को ई फ्लक्स करवा के आउटसाइड लेकर जा रहा है, मतलब कि एपोप्लास्ट में लेकर जा रहा है। तो क्या हम P4 को पिन 1 कंसिडर कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों? बिकॉज ये क्या कर रहा है, ये और दैट इज योर IAA- का ई फ्लक्स करवा रहा है, जबकि P1, P2 एंड P3 ऑक्सीजन का क्या करवा रहे हैं, ऑक्सीजन का इन फ्लक्स यानी अंदर लेकर आ रहे हैं। तो आप तो बोलोगे मैम आपने तो बताया था पी जो पिन फो ये सॉरी पिन 1 प्रोटीन बेसल एरिया में होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन घुमाया जाए या आपको क्वेश्चन घुमा के दिया जाए तो बिल्कुल ऐसा दिया जा सकता है, क्योंकि ये तो देखकर ही साफ साफ लग रहा है कि जानबूझकर ऐसे क्वेश्चन बनाए जिसमें कि बच्चा कन्फ्यूज होगा, और शायद अगर आप ध्यान से ना देखो तो शायद P1 को जरूर मतलब फटाफट पिक कर लोगे, आपको लगेगा P1 ही सही आंसर है, बट P1 इज नॉट अ करेक्ट आंसर। ये कभी भी पिन 1 प्रोटीन का काम एक सेल से दैट इज सिम प्लास्ट के अंदर ऑक्सीजन को लाना नहीं होता है, उसका काम होता है ऑक्सीजन को सिम प्लास्ट से निकालकर एपोप्लास्ट में डाल देना, ठीक है। और अगर मैं कहूँ जितना मेरा दिमाग करता है, मतलब जितना मेरा दिमाग काम कर रहा है, अगर इस डायग्राम को आप ऐसे टेढ़ा कर दोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि शायद ये डायग्राम हमें जानबूझकर उल्टा दिया गया है, ठीक है। इट्स जस्ट लाइक कि ये इस वाली चीज को आप अपर साइड में कर दीजिए और इस वाली को डाउनवर्ड में कर देंगे, तो आपको फिर ऐसा दिखेगा जैसे मान लीजिए कि पिन 1 बेसल एरिया में ही आ रहा है, तो जहां तक मेरा दिमाग कह रहा है इस डायग्राम को जानबूझकर उल्टा घुमा कर दिया है, ताकि आपका दिमाग भी उल्टा घूम जाए और आप जो है नेगेटिव मार्क्स गेट को देकर चले आए, बट दिमाग उल्टा नहीं घुमाना है, जब आपके कंसेप्ट क्लियर है तो दिमाग को उल्टा नहीं घुमाना है, साफ साफ से देखने पर पता चल रहा है कि ये क्या हो रहा है। फिर भी मैं यहाँ पे कुछ कुछ की पॉइंट मेंशन कर दे रही हूँ जहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं। पिन 1 का काम होता है दैट इज दी सिम प्लास्ट से कोई चीज कहाँ लेकर जाना, एपोप्लास्ट में, इसी को हम क्या कह सकते हैं, इसी को हम कह सकते हैं आउटवर्ड लेके जाना, ई फ्लक्स करवाना, और जो दैट इज आपके पास ऑक्स या लैक्स वन होते हैं, ऑक्स 1/लैक्स, इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है एपो से सिम में लेकर जाना, या फिर आप कह सकते हो आउटसाइड से इनसाइड में लेकर जाना, आउटसाइड से इनसाइड में लेकर जाना। तो ये कुछ कुछ की पॉइंट्स है जिसको ध्यान में रखोगे तो आप आराम से कर लोगे कोई भी पोर्शन, ठीक है। तो इस ढंग से हमने देख लिया
कि जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है वो कैसे हो रहा है, और क्वेश्चन भी आपने देखा कि किस टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। अगला क्वेश्चन आपका गेट 2020 का है, दैट इज द लास्ट अटेम्प्ट का है। जैसा मैं बता रही थी कि आपका क्वेश्चन आया था मेनली आर्टिफिशियल ऑक्सीजन पे। सो पूछा गया है 2-methoxy-3,6-dichlorobenzoic एसिड बिलोंग टू विच क्लास ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। तो फाइटो हार्मोन को ही हम प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर भी कहते हैं। पहला ऑप्शन है सिंथेटिक ऑक्सिन, ठीक है। सेकेंड है सिंथेटिक साइटोकाइनिन, थर्ड इज स्टीगोलेक्टॉन एंड फोर्थ इज ब्रासिनोस्टेरॉइड। तो यू कैन सी जो मैंने आपको लिस्ट प्रोवाइड की है उसी लिस्ट में से एक ये क्वेश्चन है, दैट इज थर्ड वाला ऑप्शन है, जिसे हम डिकैम्बा नाम देते हैं इन कॉमन बेसिस, जो कि हर्बिसाइड्स की तरह यूज होता है, एंड दिस इज अ टाइप ऑफ अ सिंथेटिक ऑक्सिन। फाइन, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट टाइम नेचुरल ऑक्सिन को देकर भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। तो छोटी छोटी सी बातें हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, एक और फाइटो हार्मोन के साथ हम पोर्शंस को डील करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड कीप लर्निंग।